हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे एक्ट, सेक्शन और सबसेक्शन में क्या अंतर होता है, अधिनियम, धारा और उपधारा में क्या अंतर है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के और भी कानून संबंधित वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई महत्वपूर्ण वीडियो की लिंकें दी गई हैं, आप वहाँ जाके और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि क्या अंतर में होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा एक्ट, जिसे अधिनियम कहते हैं, सेक्शन जिसे धारा कहते हैं, सब सेक्शन जिसे उपधारा कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्ट अधिनियम पर। देखिए, अधिनियम जो होते हैं वो एक विषय पर बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो ये जो अधिनियम होते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू विवाह अधिनियम है, तो उसमें एक उसके विषय पर पूरा एक कानून बना दिया गया जिसे अधिनियम कहते हैं। और अधिनियम के अंदर होती हैं धाराएं, अधिनियम में दिए जाती हैं धाराएं। जैसे मान लीजिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, तो उसमें अब धाराएं होंगी कि धारा 15 क्या बताती है, धारा 1 क्या कहती है, धारा 10 के अनुसार क्या शर्तें हैं। तो अधिनियम के अंदर होती हैं धाराएं जो कि शर्तों को विवरण करती हैं, शर्तों को विस्तार रूप से बताती हैं, शर्तों के बारे में बताती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे धारा के बारे में। जैसा कि मैंने बता दिया, धारा अधिनियम के अंदर होती है। और धारा के बाद बात करेंगे उपधारा, जो कि सबसे पहला आता है अधिनियम, फिर होती है धारा, फिर होती है उपधारा। उपधारा क्या होती है? जैसे मान लीजिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 है। अब 304 में 304A और 304B, यानी कि कोई भी धारा है, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी अधिनियम की धारा 10 है या 10-15 है, तो उसमें बहुत खंड, जैसे मान लीजिए धारा 15 में बहुत खंड दे दिए गए हैं, जैसे A, B, C, D। तो ये जो खंड होते हैं ये उस धारा की उपधाराएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एक्ट क्या होता है, अधिनियम क्या होती है, धारा क्या होती है और उपधारा क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला है, तो जो मोहल्ला जो शब्द है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं अधिनियम, और जो उसमें घर होते हैं तो घर को कह सकते हैं हम धाराएं, और जो घर में कमरे होते हैं उसको हम कह सकते हैं उपधारा। तो आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि अधिनियम, धारा और उपधारा में क्या अंतर होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कोई कमेंट हो तो क्वेश्चन जरूर करें।